हर छठ के दिन जिसे कि ललई छठ कहा जाता है, आज के दिन चार वनस्पतियां और छह अनाजों का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम हर छठ माता की जिनको पूजा जाता है माना जाता है, यहाँ पर हमने वो तीन वनस्पतियों में कांस लिया है, बेरी ली है और पलास के पत्ते लिए है। इन तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर इनको गट्ठा बना लिया जाता है और पूजा में लीप पोत कर रंगोली बनाकर या चौक बनाकर उनको स्थापित किया जाता है हर छठ माता के लिए। यहाँ पर देखिए पूजन सामग्री हमने तैयार कर ली है, पूजा की थाली है, साथ में हर छठ माता के लिए थोड़ा सा श्रृंगार रखना है। साथ ही साथ जो स्पेशल चीज होती है वो होती है ये अनाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप छह प्रकार के अनाजों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ बताने के लिए लिया है। आप अपने यूज के हिसाब से आप इनको कम ज्यादा अनाज ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे खास बात है इन जो आप ये फूल देख रहे हैं जिसे कि महुआ कहा जाता है, ये महुआ के फूल है। तो जो भी व्रती स्त्रियां होती है तो आज के दिन सबसे पहले महुआ की दतून केरी जाती है। आज के दिन हल से जोता हुआ कुछ भी अन्न ग्रहण या कोई भी फल सब्जी नहीं लिया जाता है, तो महुए की चाय पी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं गेहूं लिया है हमने, मूंग लिया है, अरहर लिया है, ये चना हो गया, ये मटर है और यहाँ हमने लाई के फूल लिए हैं। आप चाहें तो मक्का के या ज्वार के फूल, मतलब जो फूले होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं, उन अनाजों को भी ले सकते हैं। जो सबसे खास बात होती है वो होती है महुआ। तो महुआ को भी भूना जाता है, सारे अनाजों को अलग अलग भून कर साथ में महुआ को भून कर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर पूजा की सभी सामग्रियां मैंने लगा ली है, हमारी झरबेरी तैयार है, पूजा की थाली हो गया, लोटा हो गया, मिठाई हो गया, फल हो गया, श्रृंगार हो गया, सारी चीजें एकदम से लगी हुई है। अब पूजा करने की मात्र देरी है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पूजा की थाली हमने ये भून कर तैयार कर लेते हैं अनाजों को। और जो सबसे पहले व्रती स्त्रियां होती हैं तो पहली बार जब व्रत रहती हैं तो बांस की टोकनी में भुने हुए अनाजों को और महुआ मिक्स कर कर रखती हैं। जो लोग बार बार ऐसा नहीं कर सकती वो महुआ के दोने में ये जो भुना हुआ अनाज है इनको रखते हैं और इनको फिर पूजा करी जाती है और इस तरीके से व्रत संपन्न होता है। तो उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपको काम आएगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आसन बल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर